नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं धनेश और स्वागत करता हूं आपका कृषक इंडिया कृषक भारत में। किसान साथियों, आज हम बात करेंगे एक देसी तरीके के बारे में जो बहुत ही पुराने समय से देसी मुर्गी पालन में चला आ रहा है। साथियों, हम अभी वर्तमान में देखा जाए तो बहुत सारे किसान साथी मुर्गी को अंडे देने के लिए प्लास्टिक के ट्रे या प्लास्टिक बर्तन या तो फिर जो टीन का जो डिब्बा होता है, जो तेल वेल आता है, उस डिब्बा को काट कर अंडा देने के लिए उसको रखा जाता है। किसान साथियों, इस तरह के तरीके में जो है टीन के जो डब्बा होता है उसमें मुर्गी के पैर कट जाते हैं, बहुत बार ऐसा होता है। और प्लास्टिक का ट्रे लेते हैं तो वो ट्रे 100, 150 या 200 तक का आता है, तो आप उसको ले सकते हैं, उसमें अंडा देने के लिए मुर्गी को रख सकते हैं। पर कुछ देसी जुगाड़ है जो आपको दिखाना चाहता हूँ, और आप अगर आपको पसंद आए तो आप भी उसको बनवा सकते हैं। बहुत ही आसान है, बस आपको उसमें मिट्टी की ज़रूरत पड़ेगी और फिर उसको किस तरह से बनाया जाता है मैं आपको दिखाता हूँ। किसान साथियों, ये देखिए, ये हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत ही पुराने समय से चला रहा है, इसको गोरसी बोला जाता है, जो कि देसी मुर्गी जो पहले पालते थे, घर में रखते थे, बैकयार्ड में रखते थे, वो लोग इसी तरह से अंडा जो है देने के लिए मुर्गी को रखते थे। तो वही है, आज मैं भी लाया हूँ इसको बनवा के घर में ही। अगर आपके पास मिट्टी है तो आसानी से बना सकते हैं। और ये जो देखिए, जो इसका ये वाला है आकार है, ये मिट्टी को, गीली मिट्टी को जैसे मटके के ऊपर में रखते हैं और फिर पीछे से इस तरह के डिज़ाइन बना देते हैं। ये देखिए, इसका स्टैंड भी हो जाता है, नीचे में मिट्टी का ही है, और फिर इस तरह से इसको मटके के ऊपर में ही सूखने देते हैं, तो फिर बहुत ही अच्छा है और ये बिना पैसे के बन जाता है अगर आप खुद मेहनत करें तो। और इसमें आज एक कड़कनाथ की मुर्गी जो है उसने अंडा दिया है, और इसके अलावा एक और ऐसी रखा हूँ मैं, आपको दिखा देता हूँ, उसमें भी कड़कनाथ की मुर्गी ही अंडा दे रही है। अभी तो 3 अंडा बस दी है, वो आपको दिखा देता हूँ। ये कोने में आकर बैठती थी ये, इसलिए मैं इसको वहाँ पर रख दिया, तो फिर उसी में अंडा देना स्टार्ट कर दी है। दोस्तों, इस तरह के जो मिट्टी के बर्तन हैं वो प्रायः बहुत ही कम बनता है, तो अगर उसको हम रखते हैं तो एक प्रकार से पुरानी चीज़ों को विलुप्त होने से बचा रहे हैं। तो आप भी इस तरह की बर्तन बना सकते हैं और बिना खर्चे में बन जाता है ये। और इसके ऊपर में जो है आप भूसी डाल सकते हैं, भूसी डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अंडा फटने का चांसेस कम हो जाता है, अंडा फटता ही नहीं है, और मुर्गी को भी बैठने में थोड़ा आरामदायक होता है। तो भूसी रख दीजिए, या तो फिर पैरा वैरा भी रख सकते हैं, लेकिन भूसी ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ठीक है किसान साथियों, आज के लिए बस इतना ही, इतनी सी चीज़ आपको दिखानी थी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।